सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय प्रभ निरविघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्त श्लोके दुर्गा श्रोवाच देवी संबद्ध सुलभे सर्वकार्य विरायणे कलोहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम् मया तवैव स्तेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। अस्य श्री दुर्गा सप्तशोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा विजयदा सप्तशोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विचेतांसि देवी भगवती हृदा वराग्रश मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि वेदिमिषयन्तः स्वस्ति हि स्मिता मतिमतेव शुभां दधासि। दारिद्र्यदुःखव्यहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृतता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये जम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषानपहांसि दुष्टान् रुष्टादुकामान् सकलान् विश्वान् त्वामाश्रितानां च विभन्नानां कामाश्रितायाशयतां प्रयान्ति। सर्वावादा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अग्रेश्वरीम् एवमेव त्वयाकारम् अस्मद्भैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् सर्वाच शतनाम प्रवक्ष्यामि जनस्य कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा पीता भवेत्सदे। ॐ सदे साक्षी भव प्रीता भवानी बहुवचने आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रशूलधारिणे पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महात्मा मनोबुद्धिरङ्गारा चित्तरूपा जिराजिः सर्वमङ्गमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदागृहे शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा
सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटला भदे पठ्वंबर परिदाना कलमंजीर रंजने अमेय दुक्रमा क्रूरा सुंदरे सरसंधरे वन दुर्गा च मादंगे मदंग मनिभोजिता भ्रामी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जैव भाराये लक्ष्मी च वर्षा कृते विमलाधिकर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च विद्या बहुला बहुला प्रेम सर्ववाहन वाहना निशंब शुंब हरणे महिषासुर मर्दने महदोगी नवहन्ते च चंडमुंड विनाशने सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव गादिने सर्वशास्त्र मये सत्या सर्वास्त्र धारणे तथा अनेक शास्त्र हस्ता च अनेकादस्य धारणे कुमारी चैक कन्या च कैशोरी यवते यदे अप्रौढा जैव प्रौढा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्र मुखे काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया यलाधरी शिवदूते कराले च आनंदा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्रि प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रभुते नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेशपार्वते धनं धान्यं कृतं जायं हयं हस्तिनमे भज चतुर्वर्गं तथा चान्दे लवे मुक्ति च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सर्वरे रवे राजा लोकासुता जाते राज्यम वाप्नुयात् गोरोचना लक्षककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमदत्तयेन विलिख्य यन्त्रं विधिना विलिख्य भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे सविषां गते विलिख्य भवते गौतम सर्वे संवदाम वदाम इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्षमातरा भीजम् भृगवन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीतर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै बालकन्यवाच ॐ जगयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् सर्वभूतोपकारकम् देव्यासुरकवचं पुण्यं दर्शनस्य महामने प्रथमं जैनपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चंद्रखंड त्रिकोष्णार्धेदिजदधकाम् पंचमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीतिजाम् सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम् नवमं ज्योतिषात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मनैव महात्मनाम् अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्यगदारणे येषमे दुर्गमे चैव भयाताय शरणं गताः नाकेषां जायते किञ्चित् अशुभं नृणसङ्गते नापदं तस्य पश्याय शोकदुःखमयं नहि येस्तु वज्रास्तु धानो न तेषां वृद्धिपजायते ये त्वां स्मरन्ति धेयसि रक्षसे दानसंशयः प्रेतसन्तातु चामन्दमहिमैशासना एन्दीगर्षमारुण वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरीं विहारुण कौमारीशिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाकरा देवी ईश्वरे विश्ववाहना ब्राह्मी हंससमारुणा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोवाद्य नानारत्नोपशोभिता विश्वन्देरमारुणा दिव्याक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिफलं च मुसलायुधं केतकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्थायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्रायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते तो महारौद्रे महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्टस्य शत्रूणां भयवर्धने प्राक्षादक्षिणो मामेन्द्रे अग्निहामग्निदेवता दक्षिण्यवतु वारायणेत्याखड्गधारिणी प्रतिच्यां वारुणी रक्ष वायव्यामयवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी यशानां जलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योगिनी रक्ष उमाभूमि व्यवस्थिता मालाद्रीराते च भुव रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोद्धारवासिनी कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरस्य च जर्जिका अक्षरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च दालके कामाक्षे शुभकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भक्तकाले च पृष्ठवंशे धनोधरे नीलग्रीवाहि कण्ठे नलिकां नरगोवरे स्कन्धयोः खड्गणी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणे हस्त्रयोः दण्डनी रक्ष अम्बिका जाङ्गुलेषु च नगाञ्चूलेश्वरी रक्ष कुक्षोरक्षे गुणेश्वरे तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशने हृदये ललिता देवी उदरेश्वरधारिणे नाभौ च कामनी रक्ष गुह्यं भूयेश्वरी तथा पूतना कामिकामेनं हृदयवैश्ववाहिनी पट्यां भगवती रज यानने विन्ध्यवासिने चङ्खे महाबलारज सर्वकामप्रदायने गोल्फयोर्नारसिंहे च पादभृष्टे ददेजसे पादाङ्गुलेषु रक्ष पादादस्तलवासिने नषादश्चाकराले च केशाञ्चेव दकेशने
रोमकूपेषु कोपेरे ध्वजं भागेश्वरे तथा रक्षमच्चावसामादान्यस्ति मेदान्ति पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पिद्धं जामकटेश्वरे पद्मावति पद्मकोशे कवेर्जोरामनिस्तदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्दिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छाया छद्देश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धे रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा यानं मुदानं च समानगम् वज्रता च मे रक्षे प्राणकल्याणशोभनाम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगणे सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे भूतमिन्द्राणि मे रक्षे पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु वैरवे पन्थानां द्रुपदा रक्षे मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षायिनं कुशस्थानं वर्जितं न वजेन तत्सर्वं रक्ष मे जये जयन्ति पापनाशने परमेकं न गच्छतु जये शेषमवात्मनः कवचेनापितो नित्य यत्र लब्धे अगच्छति तत्तदात् लाभश्च विषया सर्वकामिकः जञ्जयन्त्यते कामं तन्त्रं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भोदरे मम निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश परायतः त्रैलोक्ये तु भजत् पूज्या कवचेनापितापमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामभिदन्नवान् जापडे मेधो नित्यं त्रिगन्ध्यं सद्यया निदः देवी कलापवेत्तस्य त्रैलोकेश परायतः जीवे वर्षशतं साग्रमभृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याघ्रा सर्वे रोदा विस्फोरकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराकेचराश्चैव यगराश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा मादाधागणेशागणे तथा अन्तरिक्षचरा घोराडाकिन्यश्च महावराः ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माडावेरवादयः दर्शन्ति दर्शनादस्य कवदेः संस्थिते मानोदिर्भवेराग्रस्य वृद्धिकरम्बरम् यशावर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितबोतले जपे सप्तशतिजन्ये मृत्वा लोकवजम्बरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनगाननां कावतिष्ठति वेदन्यां सन्तति पुत्रपातके देहान्ते परमस्थानं यश्वरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह वदते ॐ अथर्वणस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टुवशन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीरगम्बा पीतये सप्तशतिपाठागध्वेन यवे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली वज्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा च वाग्दाते स्वाहा सदा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्तु ते भगवते तव विद्याये विधात्रे वरदे नमः
रूपं देहि जयं देहि जयो देहि निशो यहि वैचारुर्निर्णाचे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जयो देहि निशो यहि रक्षवीजवदे देवि जन्मबन्धविनाशने रूपं देहि जयं देहि जयो देहि निशो यहि शुम्भस्य धुनायस्त समर्दने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि वन्दिताङ्गे हृदे देवि सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि अजन्तरो भजन्ते सर्वशब्दो विनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि गजप्या सर्वथा भक्त्या चण्डिकेदरिदापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि सुभद्रो भक्तिपूर्वका चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि चण्डिके सततं जयता मज्जयन्तिह भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि वरमुच्यकैः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि सुरासुरचिरोरत्न निर्दिष्टजनम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं दक्षिणायनं कर रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि प्रचण्डदैत्यगर्भग्ने जन्मिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि चतुर्भुज चतुर्भक्त सन्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि कृष्णेन सन्तुते देहि सर्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि हिमाचलसुधानाद सन्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि इन्द्राणिपति सर्वाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि देवी प्रचण्डतो दण्ड चर्चसर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि देवी भक्तजनो नाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी कारिणी दुर्गसंसार सागरस्य अग्राद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे धातु महास्तोत्रं पठे नरः स्वातु सप्तशते संज्ञा परमापनोति सम्पदा ओ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टवशन्दः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीरगदम्बा प्रीत्यदम् सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै भारकण्डे वाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यक्षये श्रेयापाचनिमित्ताय नमः सोमान्यदारिणे सर्ववेदज्ञानीय मन्दानामवकीलकम् सोऽजिदेव भाव्नादि सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यं तु जाननादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन तु तां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रोणौषधं तत्र नाकिञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम्
समग्राण विशुद्ध्यन्ति लोकसङ्गामि माम हरः निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शिवम् क्रोधं वै चण्डिकायातो दक्ष गुप्तं चकार सः समाधेन च पुण्यच तां यथावन्नियन्त्रणाम् स्वभिक्षेमवार्तादि सर्वमेवं न संशयः दृष्टायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशां प्रसेदते इत्थं रूपेण कीर्येण महादेवेन कीर्तितम् यो निष्किलाविरायेण नित्यं प्रभवते संस्मरम् सहसृतागणाथो गन्धर्वो जायते नरः न चैवाकर्तस्य भयं कापि हयायते नापमृत्युवशं जाति मृतो मोक्षमाप्नुयात् यात्रा प्रारभ्य कुर्वेद न कुर्वाण विनश्यति ततो ज्ञात्येव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवदेह सौभाग्यादिजगत्यं च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शिवम् क्षणे सोऽयप्यमाने सोते सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव दत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष श्रूयते सानगिं जनैः ओ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आई गिरि नंदिनि नंद्य तमेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवरविन्द्य चिरोदिनि मादिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशलि कण्ठ कुटुम्बिनि भोरि कुटुम्बिनि भोरि कृते जय हे महिषासुर मर्दिनि अम्बक मर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि भोजनि सङ्करणादिनि गृहमाजनि काशरते षड्जनि रोषिणि जितुतुलोचिनि दुर्मदचोचिनि सिन्धदुले जय जय हे मन्दादरमयदिनि रम्यकमयदिनि शैलसुते हरि जगदम्बमदम्बकदम् मनप्रियवासिनि हासरते शिरोमणि तुङ्गरिमालय चन्द्रनि जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैलव गञ्जिनि कैलव वञ्जिनि रासरते जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरि षड्कण्ठवि कण्ठतरुण्डवि दुण्डतशुण्डगदाधिपदे रिभुवजगण्डवि दारुणदण्डपराक्रम निर्भुर दण्ड निपातित दण्ड विपातित मन्दमनाधिपदे जय जय हे मयि चातुर्मयदिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरि रण दुर्मर शत्रुघ्नो दुर्दरने जय शक्तिविषे चतुर विचार दुरेण महादेव दूत मदाधिपदे दुर्ग दुरे हतुराचय हे मयि चातुर्मयदिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरि शरणागत वैरवदुम्बरवीरवरावदायिकरे त्रिभुवनवासगशूलविरोधि शिरोधिपिदामनिशोरकरे नमि नमि तामरधुन्दुविनाद महोमकरे कृतदिग्मकरे जय जय हे मयि चातुर्मयदिनि हरि ने
Jai Jai Hey Mai Jai Sur Mar Jai
सकलं सदने समरं सकलं जनकारयते रोजपुरे नमगे नमगे विरता विमगे गयते पादमरं शिवनामदन हादे कृपया की मदा गयते जय हे माई का चुरमाई राम्य कपर दिन सही भक्तियाँ अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानी त्यन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि जानामि विसर्जना भोजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरीं यत्पूजितं मया देवे परिपूर्णं अपराध कदम कृत्वा जगदं देहि चोचरेत् यां नदीं समवामनादे गाता ब्रह्मादयः सुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं द्रोह यथेच्छसि हदा कुरु अज्ञानाद्विष्णुते भान्त्या याज्ञोऽनमधिकं कृतां तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानाचामिमां प्रेत प्रसीद परमेश्वरि गुह्यादिगुह्यगोप्रेतां ध्यानास्मत्पितां नमां सिद्धिर्भवतु मे देवे त्वत्प्रसादा सुरेश्वरि सच्चिया ज्योता वाली माता तेरि सदा हि जयकार शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी उस भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। Oh.
ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता तेरी सदा ही जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता इस प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कौल का पाठ किया, इसी के महत्व पकड़ते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्य गतोरणे विश्वमे दुर्गमे चैव भयार्था शरणं गता न तेषां जायते किंच अशुभं रणसंकटे नावदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि येस्तु भक्त्यास्मिता नूनं तेषां विद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर विभक्ति दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। यद्यपि ये देवी नित्य हैं, अजन्म हैं, परंतु जब भी भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय संसार में उत्पन्न हुई कहलाती है। एक बार जब भगवान विष्णु प्रलय के उपरांत खीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेके सो रहे थे, तभी उनकी कान की मैल से दो असुर उत्पन्न हुए जिनके नाम मधु और कैटव थे। वहीं ब्रह्मा जी की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था उस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, और जब उन दोनों ने ब्रह्मा जी को देखा तो उनके पास गए, और जब उनके पास जा रहे थे तभी उन्होंने आकाश में बिजली कौंती हुई देखी और ऐ अक्षर का नाद सुना। इसी का उन्होंने दोनों दैत्यों ने हजारों वर्ष अनुशीलन किया और फलस्वरूप माता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। तब वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ है उस पर जो विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि आप हमारे साथ युद्ध करो। बलवान थे दैत्य, ब्रह्मा जी देखने गए ये दोनों दैत्य बलवान हैं, मैं अकेला हूँ, इस पर किस प्रकार इनसे युद्ध करूँ, मैं असमर्थ हूँ इनसे युद्ध करने के लिए। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाना चाहा, परंतु भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेके सो रहे थे, घोर निद्रा में निमग्न थे, अतः उन्होंने ब्रह्मा जी ने उन्हीं योग निद्रा की स्तुति की जो उनके नेत्रों में विद्यमान थी, व्याप्त थी। तम स्वाहा तम स्वधा त्वमि वशरकारा स्वरात्मिका सुधा त्वके नित्य तिथा मात्रात्मा सिदा अर्धमात्रा सिदा नित्या जानुचारा विशेषता त्वमि संध्या सावित्री त्वम देवी यज्ञिपरा। इन श्लोकों से योग निद्रा की स्तुति की, आप ही स्वाहा हैं, आप ही स्वधा हैं, देवताओं की तृप्ति के जो स्वाहा द्वारा आपको प्राप्त होती है, और पितर जिनके अभी श्राद्ध चल रहे हैं वो स्वधा से जो प्रसन्न होते हैं वे माँ आप ही हैं। आप वेद माता हैं, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु को शक्ति से संपन्न करा के उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार कराने वाली माँ आप ही हैं।
भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है उनको ही आप जब आपने घोर निद्रा निवर्ण कर दिया है तो दूसरा स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे माँ आप प्रकट हो, आप भगवान विष्णु के जो नेत्रों से निकल करके व्याप्त हों बाहर आ जाएं जिससे भगवान विष्णु जागें, और साथ ही भगवान विष्णु में इतनी शक्ति भर दो कि दोनों असुरों का वध कर दें और इनकी बुद्धि को मोहित कर दो जिससे ये सुगमतापूर्वक मारे जा सकें। तब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति की तो योग निद्रा भगवान विष्णु के बख्यास्थल से बाजुओं से नेत्रों से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो गई जिससे योग माया के निकलने कारण भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने देखा कि वो दोनों मधु और कैटव जो बल से उन्मत्त थे ब्रह्मा जी का वो मारने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान विष्णु उठ खड़े हुए और उनके साथ वाहु युद्ध करने गए जो 5000 वर्ष तक चलता रहा, परंतु भगवान विष्णु द्वारा वो दैत्य परास्त नहीं हुए, उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि यदि मैं दानवारी हूँ तो मुझसे ये दोनों राक्षस क्यों नहीं मारे जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आप तो दो हैं, वारी वारी विश्राम कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे भी विश्राम कर दो। और विश्राम के भगवान ने जब समाधि अवस्था में उन्होंने देखा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ये तभी मरेंगे जब ये चाहेंगे, तब मैं इनको कैसे मार सकता हूँ और मेरे जो अंश भी हैं। उन्होंने उन्हीं योग माया की स्तुति की जिनको अनुशीलन किया, जिनका मधुदैत्य ने जिनकी तपस्या की थी और माता जी ने उनको वरदान दिया कि मैं इनकी बुद्धि को मोहित कर दूंगी, आप पुनः इनके साथ युद्ध करो। युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों दैत्य मन में विचार करने लगे कि हम दो हैं, जे अकेला है तो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, बड़ा बलवान है, इसलिए कहने लगे कि हमसे कोई वरदान मांगो। भगवान विष्णु जानते थे कि ये मेरे द्वारा नहीं मारे जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा मारे जाओ, मैं आपका वध कर दूं। तब दोनों ने मन में विचार किया कि हम तो छल में आ गए हैं, कपट द्वारा हमारी ये हमारा वध कर दें कि आप क्या करें। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारा वध कर दो, परंतु वहाँ वध करो जहाँ जल ना हो, क्योंकि चारों ओर जल ही जल था। जब प्रलय हो जाती है तो चारों ओर जो है समुद्र होता है, पृथ्वी छप जाती है, जो समुद्र में डूब जाती है, चारों ओर जल ही है, तो मुझे हमारा कहाँ वध करेंगे, इसलिए हमारा वध वहाँ करो जहाँ पर पृथ्वी हो, जल ना हो। तब भगवान विष्णु ने देखा कि इन्होंने वरदान मांगा है, तब उन्होंने उनके वरदान को पूरा करने के लिए अपने शरीर को 1000 योजन विस्तृत कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया और जंघाओं पर ही पृथ्वी दिखा दी। तब उन्होंने उनकी जंघाओं पर, पृथ्वी रूपी जंघाओं पर अपने शेष रख दिए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा उनके शेष काट दिए। ऐसा देख करके आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी हम भक्तों पर नहीं स्वयं ब्रह्मता विष्णु पर भी जब कोई संकट कालान पड़ता है उस समय में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करती है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्तियाँ जड़ मूल से एक हैं, उपाय के तीन स्वरूप और संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से आप जानते हैं कि केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान है। अन्यत्र सम्मिलित रूप में इनके दर्शन दुर्लभ हैं, अर्थात बाहर जहाँ महाकाली जी हैं महालक्ष्मी जी नहीं, जहाँ महालक्ष्मी जी हैं वहाँ महासरस्वती। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कलकत्ता में काली घाट में माता महाकाली जी हैं, मुंबा देवी में लक्ष्मी माता का निवास है और मयूर में सरस्वती जी हैं, मध्य प्रदेश मयूर में सरस्वती जी हैं, परंतु जहाँ तीनों माता महाकाली, महालक्ष्मी या महासरस्वती जी एक साथ विराजमान होते हुए आपको त्रिशक्ति के वरदान से शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज चंद्रमा बरुता प्रहलाद जी प्राकृत रूप से विराजमान और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों पर एक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे
कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी द्वार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तजन तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जी विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शरोवर मेज का बोल सच्चे दरबार की जय। मान मानुष जन्म तुझको ही दिया, मान मानुष जन्म तुझको ही दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए मूल वेदों ने सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में ना आए तो माँ क्या करे। मूल वेदों ने सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में ना आए तो माँ क्या करे। मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। ताली की बात देनी है सही वक्त हाथ ऊपर डाल डाल के हाथ ले सब खाने को दिया, मेवा मिष्ठान भी माने पैदा किया। अन्न दूध आदि सब खाने को दिया, मेवा मिष्ठान भी माने पैदा किया। फिर भी निर्दयी जीवन
हृदय जीव सतावे लगा। तू अगर मांस खाए तो मां क्या करे, हृदय जीव सतावे लगा। तू अगर मांस खाए तो मां क्या करे, मां ने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मां क्या करे, मां ने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मां क्या करे। दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दिन दुखियों के मन को सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मां क्या करे, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मां क्या करे, माने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मां क्या करे, माने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मां क्या करे। नाम मां का तेरा पाप भी काट दे, जो तू पाप करन से मन डांट ले, आजा तू उसकी शरण, माँ तो चाहती है आजा तू उसकी शरण। यदि तू ही ना आए तो मां क्या करे, माँ तो चाहती है आजा तू उसकी शरण। यदि तू ही ना आए तो मां क्या करे, मां ने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मां क्या करे, माने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मां क्या करे। छोड़ कर चल कपट आ जा मां की शरण, कट जाए सहज तेरा आवागमन, सतगुर वचन झूठ मानने लगा, सतगुर वचन झूठ मानने लगा। यूं ही चक्कर लगाए तो मां क्या करे, सतगुर वचन झूठ मानने लगा, यूं ही चक्कर लगाए तो मां क्या करे, माने
तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए, तुम क्या करे मान मानुष जन्म, तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए, तुम क्या करे। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तुम क्या करे। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तुम क्या करे। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तुम क्या करे। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तुम क्या करे। तू वृथा ही गवाए तुम क्या करे, तू वृथा ही गवाए तुम क्या करे। तू वृथा ही गवाए तुम क्या करे, तू वृथा ही गवाए तुम क्या करे। जय कर मेरी शिरोमणि मैया जी का, सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंद्र। जयकारा शेरवाली बोल सच्चे दरबार की जय। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक राज तुम्हारी एक भाग की मारी, एक राज तुम्हारी एक भाग की मारी, एक राजकुमारी एक भाग्य की मारी, एक राजकुमारी एक भाग्य की मारी। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारी। एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई, हाँ बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई, हाँ बजने लगी शहनाई, हाँ बजने लगी शहनाई। वो एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई, हाँ नदिया बीच बहाई, हाँ नदिया बीच बहाई, हाँ हाँ। एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई, हाँ बीच बहाई, हाँ बीच बहाई। एक गाय एक रोए एक पाए एक खोए, एक गाय एक रोए एक पाए एक खोए, एक गाय एक रोए एक पाए एक खोए, एक गाय एक रोए एक पाए एक खोए। अंतर क्या दोनों ही बहन ठोकर खाए, हाँ हाँ एक खुशी मनाए एक ठोकर खाए, ओ एक खुशी मनाए एक ठोकर खाए। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ
एक रुक्मन दोनों ही मां गुना। एक राजा संग कही मयाही बन गई महलों की रानी हाँ, महलों की रानी हाँ, महलों की रानी हो। एक राजा संग कही मयाही बन गई महलों की रानी हाँ, महलों की रानी रानी की नौकरानी हाँ, रानी की नौकरानी हाँ, रानी की नौकरानी हाँ हाँ। एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी हाँ, रानी की नौकरानी हाँ, रानी की नौकरानी। एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी, एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी, एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी, एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, एक जग निर जाए सच्चा प्यार वही है हाँ, सच्चा प्यार वही है हाँ, सच्चा प्यार वही है हाँ। उच्च नीच का भेद न समझे सच्चा प्यार वही है हाँ, सच्चा प्यार वही है हाँ, सच्चा प्यार वही हो। तारा की अमर कहानी यूं तो है सदियों पुरानी, तारा की अमर कहानी यूं तो है सदियों पुरानी हो। तारा अमर कहानी यूं तो है सदियों पुरानी, तारा की अमर कहानी यूं तो है सदियों पुरानी। अंतर क्या दोनों ही कथा में बोलो, अंतर क्या दोनों ही कथा में बोलो, एक चंचल ने गाई एक संतों ने सुनाई, एक चंचल ने गाई हाँ हाँ हाँ, एक चंचल ने गाई एक संतों ने सुनाई, एक चंचल ने गाई एक संतों ने सुनाई। एक तारा एक रुक्मन दोनों ही माँ के पुजारे, एक तारा एक रुक्मन दोनों ही माँ के पुजारे हाँ हाँ, एक तारा एक रुक्मन दोनों ही माँ के पुजारे, एक तारा एक रुक्मन दोनों ही माँ के पुजारे हाँ हाँ, एक तारा दोनों ही माँ की पुजारन, दोनों ही माँ की पुजारन हाँ, दोनों ही माँ की पुजारन, दोनों ही माँ की पुजारन। जयकारा शेरावाली राम सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा शेरावाली राम बोल सच्चे दरबार की जय। दाती दे दरबारे दुख भोला नाता की करा, दाती दे दरबारे दुख
भोलानाथ की करा दाती दे दबारे दुख भोलानाथ की करा दाती दे दबारे दुख भोलानाथ की करा धर्म कंडे पाप पुण्य 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 भोलानाथ की करा दाती दे दबारे दुख 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 भोलानाथ की करा भरोसा मैनो ऐसे दा सहारा ऐसे दा भरोसा मैनो ऐसे दा सहारा है मैं देवा जो मेरा एक पल ना गुजारा ओ देवा जो मेरा एक पल ना गुजारा है ऐसे दा पारो सारे भोलानाथ की करा दवारे दुख भोलानाथ की करा दाती दे दवारे दुख भोलानाथ की करा दाती दे दवारे दुख भोलानाथ की करा दाती दे दवारे दुख भोलानाथ की करा सुए जो मेरे बधाई अज लाली में रोए सुए चोले ने बधाई अज लाली में मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली मेरी मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली ऐ दे सुहे चोले ने बधाई अज लाली मेरी ऐ दे सुहे चोले ने बधाई अज लाली मेरी मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली ओ मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली चरना बिच जिंद रोलानाथ की करा चरना बिच जिंद रोलानाथ की करा ऐ चरना बिच जिंद रोलानाथ की करा ऐ चरना बिच जिंद रोलानाथ की करा दाती दे दवारे दुख भोलानाथ की करा दाती दे दवारे दुख भोलानाथ दाती दे दबारे दुख भोलानाथ की करा दाती दे दबारे दुख भोलानाथ की करा शेर दी सवारी मेरी मैया सोनी सजदी है शेर दी सवारी मेरी मैया सोनी सजदी है सारे आंदे ओगना मैया मेरी कजदी है सारे आंदे ओगना नु मैया मेरी शेर दी सवारी मेरी मैया नो ही सजदी शेर दी सवारी मेरी मैया नो ही सजदी सारे आंदे ओगना नो मैया मेरी सजदी ओ सारे आंदे ओगना नो मैया मेरी सजदी ऐ देवा जो दसो मैनू भोलानाथ की करा ऐ देवा जो दसो मैनू भोलानाथ की करा दसो मैनू भोलानाथ की करा दाती दे दबारे दुख 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 भोलानाथ की करा क्रोध लोभ मोह चारे दे सदान काम क्रोध लोभ मोह चारे दे सदान मैनू दुनिया दी ममता च फेर जे बदान मैनू दुनिया दी ममता च फेर जे बदान मैनू काम क्रोध लोभ मोह चारे दे सदान काम
क्रोध लोभ को चारे के सतान मैं दुनिया दे ममता च फेर जे बजाण मैं दुनिया दे ममता च फेर जे फसाड मैं उस वेल माता नू मैं टोला ना था की करा उस वेल माता नू मैं टोला ना था की करा उस वेल माता नू मैं टोला ना था की करा उस वेल माता नू मैं टोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा ओ दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा पवन दारू उतार मैया मेरी आमदी ओ पवन दारू उतार मैया मेरी आमदी जेड़ा याद कर चमन दुखड़े मिटामदी ओ जेड़ा याद कर चमन दुखड़े मिटामदी रूप तार मैया मेरी आमदी ओ भवन दा रूप तार मैया मेरी आमदी जेड़ा याद करे चमन दुखड़े मिटामदी ओ जेड़ा याद करे चमन दुखड़े मिटामदी दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा धर्म कंडे पाप पुण्य भोला ना था की करा धर्म कंडे पाप पुण्य भोला ना था की करा धर्म कंडे पाप पुण्य भोला ना था की करा धर्म कंडे पाप पुण्य भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा दादी दे दवारे दुख भोला ना था की करा जयकार शिरवाले बोल सांचे दरबार की जय प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षां ब्रह्मेन्दुरुद्रमुनिमो हनशीललीलां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपां सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा सच्चे दरबार की जय आज विक्रमादि शुभ संवत 2076 दक्षिणायन उत्तर गोल शरद ऋतु आश्विन मास के आज दो प्रविष्ट हैं कृष्ण पक्ष आज चतुर्थी तिथि है और आज श्राद्ध भी चौथा ही है चतुर्थ श्राद्ध है बुधवार तदनुसार 18 सितंबर सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव संत दीवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करणे जाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्भ दलने व्यापार दक्षो भव
श्री शंभुर भवपाद पूर्णरता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयोत्सव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों, आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर आरती लिखी हुई है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निशि दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी आग से दूर विराज को मृग मद को मैया जी को मृग मद को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेव रक्तांबर राधे मैया रक्तांबर रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंकण पर जाने ओम अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राज खड़ग कपर धारी भैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन देव तो सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल तोई माता के मोती ओ मैया ना जागे मोती कोटिक चंद्र दिवाक कोटिक चंद्र दिवाक समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। कुंभ विदार महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना दिस दिन भगवती ओम जय अम्बे गौरी। कंठ कुंड संहार शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे ओ मधु कैटव दो मारे सुर भय हीन करे ओम जय अम्बे ब्रह्मानी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी ओ आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी। चौकट योगिनी गाव नृत्य करत भैरो ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया
जन की दुख हरता भगत की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भोजाचार अति फल पावत वाचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराज अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती माल के माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी जी अम्बे जी की आरती दो कुछ गावे हो मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकार शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय अब छोड़ कर सार दुनिया के धंधे अब छोड़ कर सारी दुनिया के धंधे अब तोड़ कर सार दुनिया के धंधे अब तोड़ कर सारी दुनिया के धंधे तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ बिना ज्ञान के हो गए कर्म काले बिना ज्ञान के हो गए कर्म काले करने को शुद्धि करण आ गया हूँ करने को शुद्धि करण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करण आ गया हूँ निरांश हूँ मैं तुम्हीं से हूँ मिथुरा निरांश हूँ मैं तुम्हीं से हूँ मिथुरा तुम्हारा करने करण आ गया हूँ करने की करण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ नहूँ पाप का पुंज तुमसे जो राशि नहूँ पाप का पुंज तुमसे जो राशि पापों का करने दहन आ गया हूँ पापों का करने दहन आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारे चरण कर पतितों को पावन तुम्हारे चरण कर पतितों को पावन छूने तुम्हारे चरण आ गया हूँ छूने तुम्हारे चरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी चरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ गगन चूमते ऊंच पर्वत तुम्हारे गगन चूमते ऊंच पर्वत कर चढ़ाइया कठिन आ गया हूँ चढ़ कर चढ़ाइया कठिन आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण
शरण आ गया हूँ, तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ, तुम्हारा चरणल हृदय तुमको हरता, तुम्हारा चरणल हृदय तुमको हरता, करने मधुर आचमन आ गया हूँ, करने मधुर आचमन आ गया हूँ, भवानी शरण आ गया हूँ, तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ, नगर दर्प भटका नहीं पा सका दू, नगर दर्प भटका नहीं पा सका दू, वही तुम से करने ग्रहण आ गया हूँ, वही तुम से करने ग्रहण आ गया हूँ, तुम्हारी भवानी शरण आ गया तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ, तुम्हारी भवानी शरण आ गया, सचिया जोता वाली माता तेरी जसा, जय करा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुरारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे, तत्पश्चात माता जी आरती होगी, आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी, सभी भक्त जन बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती वंदना करना, प्रेम से बोलो जय माता दी, जगमेले बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, दादा बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप बुलानी जय माता दी, बच्चों बता दी जय माता दी, मेरा करी जय माता दी, दुनिया भरी जय माता दी, भरे कल्याण जय माता दी, चोला आने जय माता दी, जय माता दी, वीर नदी जय माता दी, बाल नदी जय माता दी, माने सुनिया जय माता दी, उठी बोलो जय माता दी, हाथी बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, चोड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदरा वाली जय माता दी, घंटिया वाली जय माता दी, घंटिया वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, चेहरा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जय कल्याण जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, दिल्ली रानी जय माता दी, जय श्री जय माता दी, मामा काली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, शक्ति देंदी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गढ़ की द्वारी जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, चोला आने जय माता दी, हर प्रतिमा जय माता दी, हंस द्वारी जय माता दी, विद्या देंदी जय माता दी, ज्ञान देंदी जय माता दी, बुद्धि देंदी जय माता दी, भक्ति देंदी जय माता दी, जय जय अम्बे 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 सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनाथ, शरणागत दीनाथ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थी हरे देवी, सर्वस्यार्थी हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति समन्विते, भयवस्त्राहिनो देवी, भयवस्त्राहिनो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रियराज महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजन बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। जय जय।
Yeah.
आशीर्वाद दो सबकी दो सारे जन पीठ पे ठीक है दो सारे जाओ जाओ
अब सबको अंगूर का प्रसाद अग्रवाल ऐसे जय हो। अब क्या खाना बादाम खाना है ना बादाम खाना क्या खिला रहे बादाम दो 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 अभी क्या